हेलो गाइस एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एक रिक्वेस्ट वीडियो है। अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो आपकी फाइल का प्रोसेस जो आगे से थोड़ा सा इनक्रीज हो जाएगा और आपके रिवर्ट भी जल्द आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कुछ देर पहले कनाडा हाई कमीशन की तरफ से एक दो ट्वीट उन्होंने कनाडा इन इंडिया पेज पर ऑफिशियली ट्वीट किया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है आप सभी से, देखिए मैं किसी कैनेडियन एजेंसी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं आपके बारे में सोचता हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कैनेडा वैक सेंटर में विदाउट अपॉइंटमेंट विजिट मत कीजिए, इस चीज़ का आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पिछले 8 मंथ से हम वेट कर रहे थे कि कनाडा वैक सेंटर ओपन हो जाएं तो हम अपनी बायोमेट्रिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फाइनली ओपन हो गए, हम सभी का काम स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको देखकर बताता हूँ, अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आपका खुद का कोई ऑफिस है, अननेसेसरी पर्सन जब विजिट करते हैं तो आप फेडअप हो जाओगे। सेम सिचुएशन उन लोगों की है, तो इस चीज़ को समझिए, अननेसेसरी विजिट मत कीजिए। अगर आप अननेसेसरी विजिट करेंगे तो इवन उन्होंने मेंशन किया है कि प्रोसेसिंग डिले होगी, इवन वैक सेंटर क्लोज भी हो सकता है। अनदर थिंग इज दैट अगर आप मल्टीपल वेब फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप मल्टीपल ईमेल्स उनको करेंगे, उस चीज़ का भी असर डिले पर होगा। देखिए एक पर्सन अगर एक ईमेल करेगा, ठीक है, तो उसका रिप्लाई उनको करना इजी होगा। अगर मान लीजिए हम 4 ईमेल करते हैं, ठीक है, तो 4 टाइम उनको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कई के रिप्लाई नहीं भी करते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन एक ईमेल करेगा, वेट करेगा, तो देन डेफिनेटली वो रिवर्ट करेंगे। पहले पासपोर्ट इंस्ट्रक्शन की मेल आई थी, आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता है कि लोगों ने नंबर ऑफ ईमेल्स की, तभी रिप्लाई लेट आने लगे। जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था कितनी जल्दी रिप्लाई आने लगे थे। अब भी उन्होंने यही चीज़ बोली है कि अगर आप मल्टीपल वेब फॉर्म भरेंगे, मल्टीपल कॉल्स करेंगे, विदाउट अपॉइंटमेंट वहां पर विजिट करेंगे, इस चीज़ का इफेक्ट आपकी एप्लीकेशन पर पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तभी दूसरों की टर्न आएगी। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की टर्न स्टार्ट हो गई है, ठीक है, दूसरी चीज़ अगर परमानेंट रेजिडेंसी वालों की स्टार्ट हो गई है, अगर ऐसे ही हम वहां पर क्राउड करते रहे, मल्टीपल वेब फॉर्म भरते रहे, तो जो हमारी दूसरी कैटेगरीज हैं जैसे ओपन वर्क परमिट वाले हैं, तो उन लोगों की टर्न कब आएगी? वो भी वेट कर रहे हैं नियर अबाउट 8 मंथ से। अगर आपकी टर्न कंप्लीट होगी तभी उनकी टर्न आएगी ना। अगर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तभी हमारा काम जो कंप्लीट होगा, तभी हमारी फाइल्स के रिवर्ट इजी होंगे। तो इस समय आप सभी को एक दूसरे के बारे में सोचना है। ऐसा मत सोचिए कि अगर हम मल्टीपल वेब फॉर्म करेंगे, मल्टीपल टाइम विजिट करेंगे, ठीक है, आप वहां पर विजिट कर लीजिए, वो आपको वापस कर देंगे, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हर बंदा चाहता है कि मेरा प्रोसेस फास्ट हो, लेकिन अगर हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर अस। ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज था कि मल्टीपल ईमेल्स मत सेंड कीजिए, विदाउट अपॉइंटमेंट वहां पर विजिट मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप वेट कर रहे हो। देखिए पिछले कुछ मंथ से कुछ लोगों को पासपोर्ट अप्रूवल आई हुई थी, इवन वो कनाडा से रिटर्न थे, ठीक है, उनको प्रायोरिटी मिली, लेकिन कुरियर की मेल अब तक कुछ लोगों को नहीं आई, वो भी वेट कर रहे हैं। आपके बाद से जिन्होंने फाइल अप्लाई की थी उनको रिवर्ट आ गया, ठीक है, तो आपको आपके पासपोर्ट सबमिट हो गए, लेकिन वो लोग भी वेट कर रहे हैं ना। तो वेट करना ज़रूरी है, आगे ऑफिशियल हॉलीडेज आ जाएंगी, तो ऐसे ही डिले चलता रहा, नुकसान किसी का नहीं है, नुकसान कनाडा का नहीं होगा, नुकसान हमारे पैसे, हमारे समय, हम सब का होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, मल्टीपल वेब फॉर्म मत रिलीज कीजिए, मल्टीपल ईमेल्स मत कीजिए, विदाउट अपॉइंटमेंट वहां पर विजिट ना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी आपके साथ शेयर करनी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव होती हैं, मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, बिकॉज दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में पता लग सके। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। कई पर्सन बोलते हैं सर आप रिप्लाई नहीं करते। गाइस मैं सबका रिप्लाई करता हूं, लेकिन कई बार एक दो दिन लग जाते हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग मल्टीपल मैसेजेस। सो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन योर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन, फाइल रीलॉज करना चाहते हो, तो आप एसओपी में कोई हेल्प चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
आइल्स की कोचिंग में हेल्प चाहते हो, डिजायर्ड स्कोर नहीं आ रहे, मेरी टेक्निक्स मेरी टिप्स फॉलो कीजिए, आपके स्कोर जरूर आ जाएंगे। इन गाइडलाइंस को जरूर फॉलो कीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।